दीपक होश में आया कि नहीं? मैं पूछती हूँ, मेरा बेटा होश में आया कि नहीं? पूजा, अगर मैं तुम्हारा पति और दीपक का बाप ना होता तो तुम्हारे सवाल से पहले जवाब दे चुका होता। क्या होता वो जवाब? वही जवाब जो किस्मत ने मेरी हर मुमकिन कोशिश का मुझे दिया है। मजाक, मायूसी? नहीं नहीं पूजा, पूजा ब्लड कैंसर जानलेवा रोग है। तो इसका खून बदल दीजिए। पूजा, अब तो ये भी याद नहीं पूजा कि कितनी बार इसका खून बदल चुका हूं मैं। खून बदल देने से रिश्ता तो नहीं बदल गया, ये अभी हमारा बेटा है। क्या इतना बड़ा कैंसर का डॉक्टर इस नन्हे से कैंसर के रोगी की जान नहीं बचा सकता? पूजा, अब तो मेरे साथी डॉक्टरों का भी यही कहना है कि दीपक को अस्पताल से ले जाएं, हम इसे घर ले जाएंगे। घर? जब ये घर में था तो कहते थे इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, और अब हॉस्पिटल में है तो कहते हैं इसे घर ले जाएंगे। उसके बाद और इसे कहां ले जाएंगे? पूजा, फॉर गॉड सेक, नेवर से दिस अगेन, नेवर नेवर। पूजा, भगवान के लिए ऐसा कभी मत कहना। अगर दीपक बुझ गया तो आपकी पूजा भी खत्म हो जाएगी। नहीं पूजा, नहीं पूजा, नहीं। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो।
सके तो उसे अपने बच्चे की जबान पे लगा दीजिए। आगे बाबा मालिक। ये क्या है? विभूति। कैसी विभूति? साई बाबा की। कौन सा बाबा, कैसी विभूति? इससे दीपक अच्छा हो जाएगा, इससे इसका दम घुट जाएगा। जो मनहूस गई दो पल बाद आनी है, इसी वक्त इसकी जान। नहीं, नहीं। इसे कुछ नहीं होगा। साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम 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 साई पापा। दीपक। माँ, पापा ने कहा तुम शिरडी आ जाना, तुम अच्छे हो जाओ। माँ। हाँ बेटे। मुझे शिरडी ले, मुझे शिरडी ले जाओ। दीपक, दीपक, ये फिर भी होश हो गया। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। हम शिरडी जाएंगे। आइए बाबू जी। पूजा, तुम यहीं ठहरो, मैं मंदिर का रास्ता देखकर आता हूं। भाई साहब। फरमाइए। शिरडी बाबा का स्थान किस तरफ है? वो बूटी वाला है, यानी बाबा का मंदिर। और ये द्वारका माई बाबा का ठिकाना। क्या बाबा इस वक्त अंदर है? क्षमा कीजिएगा, क्या बाबा जिंदा है? कहने को तो बाबा ने महासमाधि बरसों पहले ले ली, लेकिन हर अवतार के रंग हजार आते हैं जाते हैं। समाधि से पहले चमत्कार, समाधि के बाद चमत्कार। मैं समझा नहीं। वो तस्वीर देखते हैं आप। इफ यू लुक टू मी आई लुक टू यू।
आपकी बेटी की बीमारी के बारे में आज सुबह आप ही की पत्नी से पता चला। ओ, तो वही विभूति भी आप ही ने दी थी। ना जाने कौन सी कशिश थी कि मैं आपके बच्चे का हाल पूछने के लिए आपके घर तक पहुंच गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि आप लोग शिरडी के लिए रवाना हो चुके हैं। मुझे यहां कल आना था, आज आ गया। मैं तो अपनी पत्नी की जिद और अपने बच्चे की बीमारी की वजह से यहां आया हूं। हो सकता है बाबा तक पहुंचने के लिए ये बीमारी एक छोटा सा बहाना हो। ये बाबा, ये साईं, ये पीर, ये फकीर, मैं कुछ नहीं मानता। आई एम एजुकेटेड, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर, मैं साइंटिस्ट हूं। साइंटिस्ट? ओ, तो आप साइंटिस्ट होकर इन चमत्कारों को मानते हैं? डॉक्टर, साइंस का हर एक नया एक्सपेरिमेंट, हर एक नया तजुर्बा एक चमत्कार होता है। साइंटिफिक चमत्कार किसी सवाल का जवाब होता है, मगर इन बाबा लोगों के चमत्कारों का क्या जवाब है? आपका नौकर कह रहा था कि विभूति के बाद जब आपका बेटा होश में आया तो सबसे पहले उसने कहा, मुझे शिरडी ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसका क्या जवाब है? ये महजे के इत्तेफाक भी हो सकता है। डॉक्टर, मैं भी आपकी तरह असलियत से बहुत देर तक भागता रहा, बहुत दूर तक भागा मैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में, एक तजुर्बे में मेरे साथ एक अजीब हादसा पेश आया। मेरी आंखों की रोशनी अचानक चली गई। मैं अंधा हो गया था डॉक्टर, बिल्कुल अंधा हो गया था। बहुत इलाज करवाया हमने, लेकिन मेरे अंधेपन का हमारी मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मेरी माँ मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ शिरडी ले आई, और यहाँ मुझे कभी तो बाबा की विभूति खिलाई जाती, कभी बाबा की समाधि के पानी से नहलाया जाता, कभी वो पानी पिलाया जाता। मेरा दिमाग बगावत कर उठता, मेरी आत्मा उनके इस जाहिलपन पे चिल्लाती। हालात से तंग आकर मैंने आत्महत्या की ठान ली डॉक्टर, और एक दिन मैंने अपनी जान लेने के लिए एक बड़ा सा छुरा उठा लिया। फिर डॉक्टर, क्या कोई इंसान बगैर देखे छुरा उठा सकता है? मतलब यह कि मैं उस पागलपन में भूल चुका था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। डॉक्टर, विज्ञान के सूरज को मुट्ठी में बंद करके रखने वाला ये साइंटिस्ट ज्ञान के सूरज की ताप तक ना ला सका। तो आपका मतलब है कि यहां जो भी आता है वो ठीक हो जाता है? ठीक तो वो भी हो जाते हैं जो यहां नहीं आते, और हां, जिन्हें ठीक नहीं होना होता ना, बाबा उनके दुख जरूर कम कर देते हैं। मैं पूछता हूं, अगर बाबा में इतनी शक्ति है, इतना चमत्कार है, तो दुनिया में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो जाता? फिर ये बीमारियां क्यों, भूख क्यों? सृष्टि रचने वाला सृष्टि चलाना भी जानता है डॉक्टर। भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते थे, लेकिन झूठ सच पाप पुण्य का फैसला और हिसाब करने के लिए उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना पड़ा। डॉक्टर, कर्मयोग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। मगर ये कैसी भट्टी है मेरे भाई, जिसमें मैं जल रहा हूं, मेरी बीवी जल रही है, मेरा बच्चा जल रहा है। डॉक्टर, संकट की घड़ी बड़े कड़े इम्तिहान लेती है। इस इम्तिहान के रास्ते पर मैं पहला कदम तो उठा चुका हूं। जो बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, बाबा उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। हाँ डॉक्टर, ये बातें बाद में होंगी, आइए पहले आपके रहने का बंदोबस्त हो जाए। Ugh.
बाबा की समाधि का पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते रहिए। आप बाबा के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? मेरा मतलब उनकी जिंदगी के बारे में। बाबा एक कहानियां सौ, मैंने कुछ पढ़ा कुछ सुना। मुझे भी कुछ सुनाइए ना। बाबा के बचपन की जिंदगी के बारे में तो शायद बाबा ही जानते थे, लेकिन हाँ कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा 10-12 बरस की उम्र में यहाँ एक बारात के साथ आए थे। बारात तो वापस लौट गई लेकिन बाबा यहीं शिरडी में रह गए। बाबा की पैदाइश कहाँ हुई? उनके माता पिता कौन थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे, कौन थे बाबा? हाँ बाबा ने बताया और ना ही कोई जान पाया। बहरहाल बाबा यहाँ शिरडी में कुछ बरस रहे और उन बरसों में सारा गांव तो नहीं लेकिन कुछ लोग बाबा को मानने लगे, उनसे प्यार करने लगे। लेकिन बाबा अचानक गायब हो गए, यहां से चले गए और उन्हें प्यार करने वाले बहुत दुखी हुए, खासकर मंदिर का पुजारी मालसापति और बैजा माँ। उनके जाने के बाद बैजा माँ हर रोज खाना बनाकर उनका इंतजार करती, सोच रही उनकी राह देखती। सच बताओ मालसा, जब से वो फकीर गया है तूने चाव से पूजा की है अपने खंडोबा की, अपने श्री कृष्ण की? सच कह रही हो भाई जमा, ये मन तो सदा उसकी याद में खोया रहता है जो हमें छोड़कर चला गया। उसके चले जाने के बाद अब तो यूं लगता है यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर रह गए। इस मंदिर की आत्मा भी चली गई है उस फकीर के साथ। देखो ना, मैं रोज खाना बनाकर बैठती हूँ, क्यों आएगा और खाना मांगेगा? लेकिन न कोई आया न किसी ने खाना मांगा। समझ में नहीं आता वो यहाँ से क्यों गया। ये हमसे पूछो। तुमसे? हाँ हम थे। तुम्ही दोनों के आए दिन के तानों ने तंग कर दिया था उसे। खसकम जहाँ पाक, जब से वो फकीर यहाँ से गया एक भिखारी कम हो गया है शिरडी में। एक उलकरनी याद रख, एक दिन वो होगा उस फकीर के चरणों में गिरकर तू भीख मांगेगा। ये तो शुक्र है कि वो अपने आप चला गया, वरना गांव वाले उसे मार मार कर भगा देते। हाँ क्या बकते हो, भाग गए नहीं तो आज। नहीं भाई जमा, अकल के अंधों पर गुस्सा नहीं तरस खाते हैं। वो फकीर भी तो यही कहता था। क्या हो गया, किस सोच में डूब गई है? भाईजा डूबती है तो उसी महात्मा की सोच में डूबती है। राम जाने वो कहाँ होगा। अल्लाह मालूम। बेचारे की घोड़ी खो गई है। तुम्हें कैसे मालूम मेरी घोड़ी खो गई है? फकीरों पे अल्लाह की रहमत होती है चांद। चांद? तब तो आपको यह भी मालूम होगा मेरी घोड़ी मुझे मिलेगी कि नहीं। और जब से मेरे घर आई है मेरी तकदीर खुल गई है, मैं ध्रुवों का पाटिल तक बन गया हूं। मिल जाएगी ना मेरी घोड़ी? श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले, काम हमेशा फतेह होगा। ये तो करिश्मा है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين. تو آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں،
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप हिंदू हैं? माफ करना, मैं खामखा हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ गया। तुम्हारी घोड़ी का नाम बिजली है ना? आप तो सब कुछ जानते। बिजली बिजली बिजली, अरे कहाँ थे तू? बिजली, मैं कितना आपका शुक्रिया अदा करूं। चलिए आप हमारे साथ रुक कौन चलिए। मुझे शिरडी जाना। शिरडी, कितनी खुशी की बात है, परसों मेरे भतीजे की बारात भी शिरडी जा रही है। मास्टर जी आपने शिरडी में बारात आई। न जाने कहाँ चले गए वो पीरो मुर्शिद। बस करो ना रोना भाईजामा। भाईजामा भाईजामा, माँ कहते हो मगर माँ को बताए भी ना, गांव से चले गए वो भी बरसों के लिए। मैं चला गया तो क्या हुआ, मेरी ही उम्र का तुम्हारा सगा बेटा तात्या तो तुम्हारे पास ही था। रामायण के पन्ने खोल कर देखो, सुमित्रा लक्ष्मण के लिए नहीं राम के लिए रोई थी। जब तक तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता मैं अपने डेरे पर चक्कर लगा लूं। उसी खंडर में? नहीं, मेरा दूसरा ठिकाना नीम का पेड़। आप कहाँ चले गए थे? निकाह की रस्म पूरी होते ही मैं ये मिठाई लिए आपकी कब से तलाश कर रहा हूं। शादी अच्छी हुई ना चांद? जिस पे आपकी नजरे करम हो वो काम ठीक क्यों नहीं होगा? धूप गांव वापस चलने के लिए हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, हम फकीरों का क्या, जहां जम गए जम गए। मेरी तो यही इल्तिजा है कि आप भी हमारे साथ धूप गांव चले। मुझे ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ चांद। ये फकीर जिसका हो लिया उसका साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ता। जब जब याद करोगे तब तब सामने पाओगे। चांद, तुम्हें ये मेरी याद दिलाता रहेगा। ये लो। जब तक इस जिस्म में जान है आपकी ये सौगात हमेशा मेरे पास रहेगी। अल्लाह मालिक। आ भैया, गांव में शादी हुई और तेरा मुंह मीठा नहीं हुआ, ले भाई अपना हिस्सा। श्यामा, बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल मास्टर, फकीरों को छुप के नहीं सामने आकर देखने का सबक अभी तुम्हें पढ़ना है। आओ साहिब। साहिब? हाँ साहिब बाबा। माल साहब, इस नए नाम से क्यों पुकारने लगे? संध्या का समय है, झूठ नहीं बोलता, भगवान साक्षी है। ये साई नाम बिना सोचे समझे मेरी जुबान से निकल गया, और जो शब्द जो नाम बिना सोचे समझे निकले वो आत्मा की आवाज होती है। छोटा मुंह बड़ी बात साईं, ये नाम इस महालसा का नहीं, ये मेरे खंडोबा की देन, मेरे इस कन्हैया की देन। बोलो स्वीकार है? इसका फैसला कल सुबह होगा नीम के पेड़ तले इस तपोभूमि तेरे इस गुरु स्थान पर। अगर आज भी वही चार दिए चलते मिले तो मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम साईं बाबा मंजूर।
तुम्हारा विश्वास जीत गया भलसा। जीत मेरी नहीं, मेरे खंडो बाकी मेरे के नहीं आती है। ये सत्य धर्म शांति और प्रेम के चार दीपक हैं। इनका समय अब यहाँ पूरा हुआ है। इन्हें अब धूनी की शक्ल में मेरे कर्म स्थान पर जन्मा है। ये धुनी इसी तरह जलती रहेगी। मास्टर जी आप यहां क्या कर रहे हैं? ये क्या, मैंने मास्टर जी को छू लिया और तुम सामने मुझे? और मास्टर जी ने इस फकीर को छुआ है, इसलिए हम सब अपवित्र हो गए, सबको स्नान करना होगा। ये क्या हो गया बाबा? किसी का खून तो बह रहा था, उसका नहीं तो मेरा ही सही। बेल के पत्ते खा लो, सर्दी भाग जाएगी। क्या, फकीर ने कहा कि बेल के पत्ते खा लो? जानते नहीं बेल के पत्ते कितने ठंडे होते हैं? तो पत्ते भी बेल के खा लिए तो अभी राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं नहीं मंगलू, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे ये रास्ते चलते हुए भिखमंगे बीमारी बता दे तो हमें कौन पूछेगा? बेटी मेरे घर चलिए। कौन हो तुम? मैं विद्या। विद्या कौन? रमैया की बेटी। उस अछूत की बेटी? छी छी छी, अब तो तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा। राम राम राम। मेरे बाबू बीमार है, मेरे बाबू बहुत बीमार है, अब नहीं आई तो लोग कहते वो मर जाएगा। दीदी वो मर जाएगा। वो कल मरता आज मर जाए, लेकिन मंगलू ढेर चमारों में देखने नहीं आएगा। चल निकल जाए यहाँ से, निकल। कम्बख्त की इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? बेटी मुझे अपने घर ले जाए। पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लगती है, और जब शराब आदमी को पीने लगती है तो यही हाल होता है। बाबा मैं आज से शराब को कभी नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं सौगंध खाता हूँ बाबा। यही सौगंध तुम पहले खाते तो तुम्हारी पत्नी भूख से न मरती। ये सच है बाबा, मेरी पत्नी भूखे रहने से ही चल बसी। मैं शराब को कभी नहीं हाथ लगाऊंगा बाबा, कभी नहीं। तो तुम ठीक हो जाओगे बाबा। कोई दवा? ये विभूति खा लो, और जब ठीक हो जाओ तो खंडोबा के मंदिर में जाकर नारियल फूल चढ़ा देना। मैं ठीक हो गया बेटी। मेरा जतन ठीक कहता था, मंगल के दिन मंगल की पुड़िया नहीं खाना। मंगलू को बुलाओ, मंगलू को बुलाओ। क्या कहा? वो चमत्कारी पुरुष है तो जाओ ना उसके पास। यहाँ मंदिर अपवित्र करने क्यों आए हो? उन्होंने ही कहा था नारियल और फूल खंडोबा पे चढ़ा देना। अरे वो चमत्कारी पुरुष है तो खंडोबा को भी वही बुला लेगा, तुम जाओ यहाँ से। बाबा हमें मंदिर में नहीं जाने दिया। क्यों? वो लोग कहते हैं हम अछूत हैं।
हाँ हाँ वो तो कहेंगे, क्योंकि तुम जैसी मानव सेवा वो कर नहीं सकते। और भगवान की नजरों में मानव सेवा करने वाला इतना ऊंचा होता है जिसे आम आदमी छू भी नहीं सकता, इसीलिए वो लोग तुम्हें अछूत कहते हैं। जाओ सामने वहां रख दो नारियल फूल। कहाँ जा रही हो बहन? वैजी के पास, इनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मैं तो उसी दिन ही ठीक हो गया था। कैसे? वो बाबा ने कहा था बेल के पत्ते खा लो तो ठीक हो जाओगे। मगर वैजी तो कह रहे थे उससे नुकसान होगा। लेकिन साईं बाबा को ऐसे वैसे नहीं, उनके मुंह से जो भी अक्षर निकलता है वो कभी झूठा नहीं होता। मैं जानता था शनि मंगल से गुजरेगा तो मेरी मृत्यु होगी। पीलो, ठीक हो जाओगे। अरे नहीं पंडपायन, राहु काल चल रहा है। बस अब तो दो घड़ियां बाकी रह गई है, समझ गई ना? समझ गई। लो पीलो ना, पीलो। तुम कैसी हो तो पी लेता हूँ, कम से कम आखिरी घड़ी में तो तुम्हारा कहना मान लूं। ये क्या, मुझे थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लग रही है। साईनाथ तेरा लाख लाख धन्यवाद। क्या कहा? अच्छा नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। मैंने कहा था ना राहु काल बीत गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। समझ गई? अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर। बाबा वो ठीक हो गए। एक उच्च ब्राह्मण की पत्नी होकर एक भिखमंगे के पास छुपी है। अन्न की भिक्षा मांगने वाला फकीर, जीवन दान देने वाला साईं बाबा है। तुम्हारे प्राण इनकी वजह से ही बचे हैं। तुम्हारी बीमारी ना ही मंगलू की दवाई से गई है, ना ही तुम्हारी पूजा पाठ से गई है। अब तो कुछ करना ही होगा। पंचायत से इस भिखमंगे के साथियों को भिखारी बना दूंगा। ये फकीर हम लोगों का शत्रु है, हिंदुओं को अल्लाह मालिक और मुसलमानों को राम राम कहता है। ये पाखंडी किसी दिन यहाँ पर दंगा फसाद करवाएगा, इसलिए पंचायत ने फैसला किया है कि बायदा, तातिया और मालसा को जात बिरादरी से बाहर किया जाता है और श्यामा मास्टर को स्कूल से निकाला जाता है। बायजा माँ, तुम्हारा पुराना मकान तो खाली पड़ा है ना? हाँ बाबा। श्यामा उसमें स्कूल खोल लेगा, जो एक ऐसा विद्या मंदिर बनेगा जिसमें आज की ये बिरादरी और आज का ये स्कूल एक नन्हे के बच्चे की तरह सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का सबक सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे भी। बाबा आप इन पे लाख या कर लो, ये रहेंगे लकीर के फकीर ही। फकीर? बाबा अरे बाबा तो इतनी देर कभी नहीं सोते, आज क्या बात है? धीरे बोलो, रात भर सोए नहीं होंगे, देखो तो कैसे सुकड़ कर सो रहे हैं। बाबा को बुखार तो नहीं है?
बाबा बाबा बाबा। अरे ये कौन है? तुम कौन हो? वो बाबा कहाँ गया जिन्होंने मुझे रात को खाना खिलाया, ये कम्बल ओढ़ने को दिया? अरे ये क्या, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, जन्म की बीमारी दूर हो गई। बाबा तू सचमुच भगवान है बाबा। अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर। कहाँ जा रही है? पंचायत ने कल फैसला किया है कि जो कोई इसे भिक्षा देगा उसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सर्जी चल 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 चली रहे से। रोटी लेके चली है। चल। बाबा क्या है श्यामा? बाबा मैं कहता हूँ आपको भिक्षा मांगने की जरूरत क्या है बाबा, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है बाबा। श्यामा एक बार भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया तो भिक्षा मांग कर खाना मेरा फर्ज बन गया है, मेरा धर्म बन गया। और सुनो श्यामा, ये भिक्षा अनाज की नहीं, प्रेम और श्रद्धा की। बाबा दिवाली है, द्वारका मैं भी दिए नहीं जलाऊंगी। अच्छा, न मेरे पास तेल है न दिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नमः, 5 पैसे यहाँ रखो। ओम नमो लक्ष्मी पतिये नमः, 5 आने यहाँ रखो। तो 5 आने क्यों? इसलिए कि पति पत्नी से उच्च होता है। ये लीजिए। सेठ बाबा को दिए जला रहे हैं, तेल दो ना। शिव 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 लक्ष्मी पूजा में जी, जल्दी से बुलाओ इसे यहाँ। आज दिवाली है, बाजार में मुझे किसी ने दे नहीं दिया, इसलिए तू सेठ जी का दिवाला निकालने यहाँ चलिए। जी चल भाग यहाँ से, भाग भाग। दुष्ट चली जाए भी यहाँ से, अजूत कहीं की अतिशो सर्वनाश जी। पूजा में वजन का अर्थ समझते हो जी? सर्वनाश। किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है मेरे पास। रखो यहाँ 100 रुपया। ये लीजिए 100 रुपया। बाबा 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 मैं जी ले आया हूँ। अच्छा बेटा क्या हुआ बेटी? नंदू सेठ ने मुझे तेल नहीं दिया और मुझे गाली दे दी। हम दिए कैसे जलाएंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे? जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? जब तुम्हारी श्रद्धा के आंसू इस पानी में मिल गए हैं तब इस पानी से भी दिए जलेंगे। ये फकीर इसी तरह पानी से दिए जलाता रहा तो एक दिन अपनी दियावती गुल हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो मंगलू। अबे ओ चिल्ली वालों, तुम लोगों को इस फकीर से बचाने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। तो क्या आप लोगों को भी इससे खतरा है? खतरा तो उन्हें है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। उनको खतरा है कि अगर ये जिंदा रहा तो हिंदू मुसलमान को एक कर देगा। तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान? हम लोग रुपए की औलाद है, रुपए की। तुम उस फकीर को ठिकाने लगा दो तो 10-20 बाप हमसे भी ले लो। क्या कहा? मेरा मतलब है रुपए। ठीक है, बिल्कुल गलत। क्या गलत है बाबा? कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं समझा नहीं। घटने वाली घटना घटने से पहले टल जाए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक। बाबा आपका इशारा माँ की बीमारी की तरफ तो नहीं? मैं जानता हूँ बायजा माँ बीमार रहने लगी है। बाबा माँ ठीक हो जाएंगी ना? शरीर का रोग तो मामूली बात होती है, आत्मा बीमार नहीं होनी चाहिए। एक बात और पूछूं? पूछो। आप ये चमत्कार क्यों करते हैं? जिसे तुम चमत्कार कहते हो ये कभी कभी मेरे कर्म का रूप होता है, और जब कभी चमत्कार होता है वो किसी में संस्कार डालने के लिए होता है, क्योंकि आत्मा निरोग रखने के लिए विश्वास और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तात्या अब्दुल आने वाला है, वो आ जाए तो उसे कहना द्वारका माई में बैठे, मैं अपने गुरुस्थान हुआ हूं। वो
वो जा रहा नीम के पेड़ की तरफ। चलो भाई ढेर कर दे उसको जाके। चलो कौन हो तुम लोग? नाम के बाद काम भी पूछोगे? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम लोग? हट जाओ हमारे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो फकीर की जगह तुम मर जाओ। क्या कहा? तुम लोग बाबा की जान लेना चाहते हो? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। वो आया फकीर। जिसकी जरूरत थी वो खुद ही आ गया। मुझे मारना चाहते हो? मेरी जान लेना चाहते हो? कुछ रुपयों के लिए लो, कर लो अपनी मुराद पूरी। तात्या कहाँ है वो लोग? जाने वाले चले गए। तात्या माँ, माँ तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक है। अरे मेरे छोड़, ये तुझे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, कुछ लोगों से ऐसी उलझ गया था, मामूली बात पे। मामूली? हाँ देखा सही, देखा इतना खून बह रहा है, और कहता मामूली बात है, इसे कुछ हो गया तो। चिंता मत करो बायजा माँ, मेरे होते हुए तात्या को कुछ नहीं होगा। तात्या बायजा माँ को घर ले जाओ, माँ की सेवा करने का मौका कभी कभी मिलता है। बाबा मैंने कहा ना जाओ घर, बायजा माँ बीमार है। आओ माँ, आओ। साईं, अब्दुल, तात्या अपने साईं पर कर्जा चढ़ा गया। कैसा कर्जा साईं? तुम नहीं समझोगे, आओ चलें। बाबा, 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 माँ, माँ, बाबा। हाँ, बायजा माँ बहुत बीमार है ना? तात्या, क्या? साईं, ये नहीं हो सकता साईं, ये सिर्फ मेरी ही माँ नहीं तुम्हारी भी माँ है, तुम भी इसे माँ मानते हो, ये नहीं मर सकती, इसकी जान नहीं जा सकती देवा, इसको चिंता करो, इसको चिंता करो देवा। तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा घर बता दो जहाँ किसी की भी मौत ना हुई हो, तो मैं बायजा माँ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। इंसान ये आवागमन का चक्कर जानते हुए भी अनजान बन जाता है, जो आया है वो जाए, चाहे वो साईं हो चाहे दास। देवा, तात्या की मां मर सकती है लेकिन साईं की मां नहीं मर सकती। मां तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, पूछो इस मां से, तुमसे क्या पूछना चाहती थी? नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी देवा। बायजा माँ, देख तेरा साईं तेरे चरणों की तरफ खड़ा है,
पूछ क्या पूछना है? साईं पायजामा, मुझसे कुछ पूछना है। सच बताओगे? झूठ तो मैं अजनबी से भी नहीं बोलता, तुम तो बायजा मां। साईं, मैंने तुम्हें हर रूप में देखा है, फकीर से लेकर द्वारकाधीश के रूप में। साईं, आज अपने असलियत बोल दो, कौन हो तुम, किसका रूप, कौन सी शक्ति हो, बोलो ना साईं, ये अवतार कौन सा है? बाजा, इसे अवतार कहो या साईं, इस चोले को, इस जन्म का धर्म सिर्फ कर्मयोग से है। अगले जन्म में अपने चरणों में जगह दोगे ना साईं? मुझे हर जन्म में मां की जरूरत होती है। वासांसि जीर्णां यथाविहाय नवां गृह्णाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्नां संयाति नवांधे। फकीर, वो साईं बाबा, वो अवतार इसी तरह चलता रहा। कभी तो वो मस्जिद का मीनार बन जाता, कभी मंदिर के कलश की तरह चमकता, कभी अपनी बातों में गुरु ग्रंथ की वाणी खोल लेता, कभी अपनी मासूमियत में क्राइस्ट को ढाल लेता। शिरडी का साईं, शिरडी का साईं शिरडी में डेरा डाल चुका था, लेकिन इंसान, इंसान वही लकीर का फकीर, कोई तो नादान कुलकर्णी की तरह शक करता और कोई मालसा की तरह पूछता, मगर बाबा अपनी मस्ती में मस्त, गंदले पानी में भी अपनी छवि का छाप छोड़ जाते। बाबा के एक एक कदम पर नई बात होती, कदम कदम पर नया चमत्कार होता, हर नई सुबह का सूरज साईनाथ की रोशनी को फैलाने लगा। जो रोगी और पीड़ित खुद बाबा तक ना पहुंच पाता, बाबा किसी न किसी रूप में खुद उस तक पहुंच जाते। समय की बहती धारा में कुछ लोग बाबा के पास आकर रुक गए, बापू वीर, देव मामलेदार, लक्ष्मी, दीक्षित, बूटी, ताबोलकर, अब्दुल, ये सब लोग बाबा के बहुत करीब आ गए। बाबा, बाबा खुद तो हमेशा की तरह खाना मांग कर खाया करते, लेकिन लोग, लोग जो श्रद्धा से दे जाते, बाबा वो अपने हाथों से पकाते, और फिर गुरुवार के गुरुवार अमीर गरीब को साथ बिठाकर अपने हाथों से खिलाते। आओ आओ खा पड़े, देश की आजादी के लिए लड़ने वाला वीर पुरुष आज इस फकीर तक कैसे पहुंचा? मैं कौन हूं बाबा, करने धरने वाले तो आप ही हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ये किताब आपके चरणों में भेजी है आशीर्वाद के लिए। एक बात पूछूं बाबा? पूछो हाजी। बाल गंगाधर तिलक तो देश का सच्चा सपूत है, लेकिन आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। कौन सी? उसने किताब आपके चरणों में भेंट की, लेकिन आपने उसे माथे से लगा लिया। हाजी, अगर किसी कैद खाने से टीपू सुल्तान कुरान शरीफ मुझे भेजता तो क्या मैं उसे नीचे रखता? गीता कुरान पांव पर रखने के लिए नहीं, माथे से लगाने के लिए है।
तो क्या गंगाधर तिलक ने आपको? उस तिलक ने ही मुझे यह गीता भेजी। और देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी रचना, इसका वर्णन घर घर में पहुंचेगा, घर घर में इसका प्रवचन होगा। बाबा, विद्या सज गई तेरी रंगोली रोज की तरह? हाँ बाबा। बाबा भी आ गया, ला डाल दे भिक्षा। बाबा बाबा, ये रंगोली तो प्रतीक है कर्म के उस राह की जो आपने हम सबको दिखाई है। बेटी विद्या, क्या हरि की बेटी सिर्फ सेवा ही करती रहेगी? हरि जनों पर आपके बहुत उपकार है बाबा, गांव का स्कूल, मंदिर, और बाबा ये मेरा छोटा सा घर संसार। घर संसार छोटा हो तभी अच्छा लगता है। बस ये दो बच्चे तेरे चांद और सूरज हैं, ये सदा सुखी रहे बाबा। अल्लाह मालिक। मैं कौन? गणपतराव साहब। गणपतराव साहब के बच्चे? होने वाला इंस्पेक्टर बोल इंस्पेक्टर। ये तो अंग्रेज के डर से पुलिस में भर्ती हो गया, वरना पैदाइशी शायर हूँ। शायर? शायर तो मैं भी हूँ हुजूर, कुछ दर्द करूँ? खरोश, तेरी इतनी जुड़त? तहसीलदार साहब अंदर है, आप ही का इंतजार करें हुजूर। अच्छा, सलाम हुजूर। गुरु, सरकार को मुझ पर विश्वास है और मुझे तुम पर। आजमा के देखिए मालिक, आपके विश्वास को जरा सा दाग भी लग जाए तो गणु को फांसी लगवा दीजिए। गणु, बरसों से शिरडी में एक अजीब सा आदमी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। वो हिंदुओं से अल्लाह अल्लाह और मुसलमानों को राम राम कहता है। हमें हुक्म मिला है कि इस बात का पता लगाया जाए कि कहीं वो हिंदू मुसलमानों को एक करके अंग्रेज सरकार के लिए कोई खतरा तो नहीं। मेरे नृत्य को आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आशीर्वाद चाहिए तो मिलेगा। आज्ञा है। साईं ने कभी किसी को नहीं रोका। तुमने अपनी आवाज भी नहीं पहचानी। मेरी? हाँ, तुम्हारी अंतरात्मा की। बेटी, मन में मैल हो ना तो जीवन की कड़ी घुंघरों की तरह टूट जाती है, लेकिन दोष तुम्हारा नहीं, दोषी वो है जो छिपकर सुन रहा है। अंदर आओ भाई। अंदर आ जाओ। ऐसी नौकरी क्यों करूं जो गलत काम करवाए? जी गणु, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। लिखते हो ना? जी बाबा। तो उस पर लिखो जिसे मानते हो। मैं किसको मानता हूं बाबा? पंढरपुर के मंदिर में विराजमान विठोबा कृष्ण कन्हैया को मानते हो ना? मेरा मंदिर
बंदर को शिरडी पूज सवार यही विराजे विठल मेरे सावरे घनश्याम यही बहे गंगा जमुना यही तीर्थ महान प्रणाम मेरा स्वीकार करो साईनाथ भगवान बाबा क्षमा करो आज से ये गणु आपका दास गणु है आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सस्ते और गंदे गीतों को तुलसी के छंदों और कबीर के दोहों से दो डालूं अल्लाह खैर करे सरजू जी बाबा आज तक तो अपनी दाल रोटी के लिए तू इसके साथ दलदल में फंसा रहा लेकिन आज से ये निष्पाप होकर सच्चाई की मुसाफिर है तुझे भी इसके साथ कदम मिलाकर चलना है रणु तुझे भेजा था उस फकीर को परखने के लिए तू खुद ही फकीर बनकर आ गया नौकरी तक छोड़ दी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिमाग ठीक हो गया है हजूर मेरी मानिए तो आप भी शिरडी चलकर एक बार बाबा के दर्शन कर लीजिए मैं और किसी फकीर के दर्शन करूं गुस्ताखी माफ हजूर अगर कोई अंग्रेज अफसर आता है तो आप मीलो मील भागे चले जाते हैं उसको मिलने के लिए आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को मिलने के लिए मैं आगे आगे और आप मेरे पीछे पीछे मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हजूर मुझे मैना बिटिया की चिंता रहती है इतने बरस हो गए इसकी शादी को और घर में कोई संतान नहीं मेरे दिल में डर रहता है इसका पति इसे छोड़कर कहीं दूसरी शादी न कर ले गणो मेरी बात मानिए हजूर एक बार मैना बिटिया को बाबा के पास ले जाइए फिर देखिए उस साई के आशीर्वाद से क्या नहीं होता तुम्हें मैना की चिंता है मुझे तो इस वक्त सारे जिले की चिंता है जानते हो हैजा फैल गया है अगर रोकथाम ठीक तरीके से न हुई तो नौकरी तक जाती रहेगी हजूर मैना के साथ साथ आप भी बाबा का आशीर्वाद लीजिए गणो एक पंथ दो काल घबराइए नहीं हजूर तुम जा सकते हो अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं लाओ देवा आटा हम पीस देते हैं आटा तो पीस चुका है लक्ष्मी इसे ले जाओ और शिरडी की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बिखेर दो वो क्यों हैजा शिरडी के नजदीक आ रहा है हमें उसे रोकना है इस आटे से हाँ जाओ बिखेर दो साहब ये तो कमाल है तो खुशी की बात पर मैं इसी शिरडी के फकीर का नहीं भगवान का चमत्कार कहूंगा भगवान तो शिरडी के चारों तरफ भी है और चारों तरफ हैजा फैला हुआ है लेकिन बाबा तो सिर्फ शिरडी में और शिरडी में हैजा नहीं है ये आटे की लकीर शिरडी की सीमा है और इस लकीर के इस पार किसी को कुछ भी नहीं हो सकता बड़े साहब इनकी बातों में कुछ सच है या बिल्कुल झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा ये सब किस्म मर जाएंगे मैं तो चला दूसरे गांव लोगों की खिदमत करने हजार गोलियां बनाइए हाँ देखा चाचा शिरडी की सीमा पार की और बीमारी ने पकड़ लिया आपको तो खाओ हजार गोलियां एक एक करके मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव वहाँ किसी दूसरे हकीम से कुछ पूछना चाहते हो जी बाबा भगवान कहाँ है कहाँ नहीं तो दिखाई क्यों नहीं देता दूध में मक्खन होता है हाँ होता है दिखाई देता है नहीं कब दिखता है दूध पिलोने से तो भगवान दिखाई देगा आत्मा टटोलने से आंखों से तुम बाहर देखते हो ध्यान से अंदर देखो तो ब्रह्मांड दिखेगा जी बेटी की चिंता अफसर का डर और तो कोई कष्ट नहीं है ना
इस परिवार को अपना आशीर्वाद दीजिए साईं। मांग के खाने वाला फकीर किसी को क्या दे, ले दे के यहाँ कुछ रखा है तो ये राख है, तुम भी ले लो। क्या मैं ना यहाँ से निराश लौटेगी बाबा? साई के दरबार से न कोई निराश लौटा है न कभी लौटेगा। बेना बेटी, अगले बरस बेटे को साथ लेकर आना। अवश्य आऊंगी बाबा, अवश्य आऊंगी। बाबा बाबा साई, बाबा बाबा बाबा। चांद का दिन, तेरा सफर अब खत्म हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहे हो साईं? ठीक कह रहा हूं मालसा। चांद क्या गया, वायजा मां की याद भी आने लगी। वायजा मालसा, अनगिनत लोगों की यादों के फूल अपने आंचल में लिए, आसमान की तय में वो कहीं मेरे इंतजार में है। तो उसे सामने बुला लो साईं। वायजा मां को तो एक बार बुला चुका हूं, अब मुझे जाना। मैं जब चला जाऊं तो चिंता मत करना। मालसा, अगर मेरी सांस और नब्ज वापस नहीं आई तो रोना नहीं। जहां मेरा शरीर धरा होगा वहां श्यामा से कह देना कि सिर्फ इतना लिख दो कि तेरा साईं यहां था, यहां है, यहां रहेगा। धीरज रख बेटी, धीरज, बाबा का आशीर्वाद है। अरे तू मां बनने वाली है, याद है ना बाबा ने कहा था अगले साल बेटी को साथ लेकर आना। अब मैना की तकलीफ मुझसे और नहीं बर्दाश्त होती। वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, बाबा की बेटी भी है। बाबा की विभूति लाओ। लाती हूँ बेटी, लाती हूँ। सुनिए जी, हा? आपके पास बाबा की दीवी विभूति थी ना? हाँ। जल्दी दीजिए, उसी से हमारी बेटी का दर्द ठीक होगा। लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है। कहाँ गई? परसों रात एक बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पहुंचने से पहले उस अंग्रेज अफसर को मैंने वो विभूति खिला दी, वो एकदम ठीक हो गया है। राम, सब कुछ लुटा दिया इन अंग्रेजों पर, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अब हमारी बेटी का क्या होगा? ये विभूति रात को ही तहसीलदार चांदोरकर के घर पहुंचा दे। बाबा, जामनेर तक तो मैं रेलगाड़ी से पहुंचाऊंगा, लेकिन वहां से आगे तहसीलदार साहब के गांव पहुंचने के लिए सवारी कहां से मिलेगी बाबा? अरे तू चाह तो सब बंदोबस्त हो जाए। जो हुक्म बाबा। बाबू, बाबा, बाबा, क्यों भाई? यहां से तहसीलदार चंदौकर साहब के गांव जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी क्या? रात मुसाफिर खाने में काट लो, सुबह होते ही कोई ना कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी। अरे बापू गिर जी, तहसीलदार चंदौरकर साहब ने आपके लिए घोड़ा गाड़ी भेजी है। लेकिन हमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ? हम क्या जाने साहब, उनकी वही जाने। ये रहा तहसीलदार चंदौरकर साहब का घर। बापूगीर, आइए आइए। नमस्कार।
बाबा ने आपके लिए विभूति बेची है। अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अगर आपने वक्त पर सवारी न भेजी होती तो मेरा यहाँ पहुंचना मुमकिन न था। सवारी और मेरी, मैंने तो कुछ नहीं भेजा था। तो क्या वह घोड़ा गाड़ी आपकी नहीं? घोड़ा गाड़ी कौन सी? जिस पर मैं आया हूँ। कहाँ है? बाहर आइए। सुनिए। कहो भाई। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। आने वालों, बहुत देर से आए हो तुम लोग। बाबा ने कहा था कि अगर मैं वापस ना लौटा तो जहां मेरा शरीर धरा है वहां श्यामा से कहकर इतना लिखवा देना कि बाबा यहां था, यहां है और यहां रहेगा। बाबा को समाधि लिए 72 घंटों में कुछ ही पल रह गए हैं। जरूर हमारी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई होगी जो बाबा वापस नहीं आए। महालसा, बाबा कहते हैं ना, यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो अंतर को जगाओ। हौलदार साहब, ये मुर्दा यहां पर 2 दिन से पड़ा हुआ है, अगर इसे दफनाया नहीं गया तो गांव में बीमारी फैल जाएगी। ये देखो, मैंने इसके लिए कब्र निकलवा ली है। आपको दफनाने की इजाजत है, उठाओ मुर्दा और दफना दो, देखता हूँ कौन रोकता है। मैं रोकता हूँ। कैसी दफा? बाबा, बहुत देर लगा दी बाबा। जल्दी लौट आता, लेकिन बायजा तक पहुंचने में रास्ते में कहीं और जाना पड़ा। कहाँ बाबा? भगत के घर भगवान आए और हम देख भी ना पाए। गुरु जी, साईं हमारे यहाँ आए थे घोड़ा गाड़ी लेकर। बेटी के बेटा हुआ, बधाई। सुनो कुलकर्णी, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। इससे पहले कि ठोकर खाकर तुम्हारा शरीर भी गिर जाए, इस गड्ढे को भर दो। देखा जाएगा। तुम्हारा नाम राम सिंह है जी बाबा। और तुम्हारा करीम है? हाँ बाबा। तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी भी है। हम देश की आजादी के सिपाही हैं बाबा, अंग्रेजी राज के खिलाफ हमने आवाज उठाई। सच्चे दिल की आवाज जब गूंजती है तो दिशाएं डोल उठती हैं। बाबा, हम अंग्रेजी राज की जड़ें बुनियाद से उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर पकड़े गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां कौन आएगा बाबा? हाँ बाबा, यहां कौन आएगा? वो देखो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी बाबा। यहां दो गद्दार तो नहीं आए? गद्दार यहाँ है दो, एक ये फकीर और एक तुम्हारे तहसीलदार साहब। बम बम भोलो। ये गांव गिरडी है जी महाराज, परंतु आप कौन हैं? बरसो ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश,
मानसरोवर में जप तप और ध्यान करने के बाद जब मैं इस ओर आया तो शिरडी फकीर के नाम सुना। जाना था वृंदावन, चले आए शिरडी। कहा है वो साईं? बस महाराज, आप आ गए, शिरडी की किस्मत संवर गई। वो कैसे? ये बाबा तो पाखंडी है, भोले भाले लोगों को उल्टे सीधे जादू के चमत्कार करके ठग रहा है। कल का फकीर आज राजा बन गया है, वो देखो। दम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, अरे साईनाथ शिव शंभू बजे, अरे साईनाथ शिव शंभू बजे। इससे तो हम अकेले में निपटेंगे। हम बम महादेव। बीबी के मर जाने के बाद दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक आदमी हिमालय की तरफ भाग गया। भगवान ने जिसे इंसान बनाया वो स्वार्थ और कमजोरी के कारण साधु बन गया। क्या साधु बनना पाप है? इंसान जो बने, जब बने, योग से बने तो सच। स्वार्थ और कमजोरी के कारण महात्मा का रूप भी धारण करे तो झूठ। तुम किसके स्वार्थ के लिए अपने आप को साईं बाबा कहलाते हो? किसकी खुशी के लिए तुला बनकर अपनी परात निकलवाते हो? अकीरी का सॉन्ग रच कर आप बैठे हो, अपने आप को अवतार कहलाते हो? मैं पूछता हूँ, आखिर इस ढकोसले का अंत क्या होगा? अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करे। उससे भूल हो गई कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो। ओम देव, जो कुछ देखना चाहते थे देख लिया, और कुछ जानना है, और कुछ पूछना है? भगवान कृष्ण तो महलों में रहते थे, आप इस खंडहर में क्यों? महलों के मालिक राम को जंगलों में भी तो भटकना पड़ा था। मैं समझा नहीं। आज मेरे भक्तों का साधन सिर्फ इतना है, यही रहता हूं तो खुश हूं। कल वे अपनी खुशी के लिए महलों में रखेंगे तो भी खुश रहूंगा। आज चाक दामन है, मैले कपड़े हैं, कल रेशम पहनाएंगे वो भी पहनूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के बस में हूं, उनकी खुशी मेरी खुशी। अल्लाह मालिक, नहीं दे सकता। मेरे बेटे को यतीम समझ रखा है कि फोकट में दामाद बना दे। अगर दहेज नहीं दे सकते तो रखो अपनी बेटी को घर में, हम बाया तो वापिस ले जाते। बाबा बारा टाइम, लेकिन दहेज न होने के कारण वो वापस लौट गई। इसीलिए आशीर्वाद दिया, नाग पंचमी वाले दिन अपनी बेटी को लेकर द्वारका माई आ जाना। नाग पंचमी
आज नाग पंचमी है, चल हम भी सांप को दूध पिला दे। परसों से डर रहा है, मुझसे कोई विवाह पुराने नहीं आता। अरे मुझसे कोई दवा लेने नहीं आता, कोई बीमार होता है तो रात खाकर ठीक हो जाता। अच्छा खासा जजमानों के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर एक पैसा ले लेता था, अब उन्होंने कोयले का कलंक लगाना शुरू कर दिया है और कहते हैं कि बाबा की विभूति है। ये सब तो ठीक है, मगर इस जंग को जीतने का तरीका क्या है? उपाय है मेरे पास। बाबा, क्या करो बाबा, क्या करो? क्या हुआ? मेरे पिताजी को कल रात लकवा मार गए, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप तो जानी जान है बाबा, मेरे पिताजी को मैं चालो बाबा। जब इंसान अपने पाप का प्रायश्चित खुद कर ले तो उसे किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं होना पड़ता। मगर किस पाप का प्रायश्चित करना होगा बाबा, वो मैं क्या जानू? मेरे पिताजी तो बोल भी नहीं सकते बाबा। जो पाप तुम्हारे पिता ने तुम्हारी नजरों में किया है उसका प्रायश्चित। मैं समझ गया बाबा, मैं सब समझ गया बाबा। मेरे पिता ने कन्या के बाप का दिल दुखाया था, दहेज ना होने के कारण बारात वापस लौटा दी गई थी, वो पाप था। मैं उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ बाबा, तैयार हूँ। पलट कर देख, तेरी होने वाली दुल्हन सामने खड़ी। अब अपने हाथों से इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दो, तुम्हारे मर्ज का यही इलाज, आगे अल्लाह माने। आपको जहरीला नाक चाहिए? हाँ, मुझे विष को खत्म करने वाली दवा बनानी है। लेकिन रुपए? जय सीताराम, चलो 10 रुपए, 10 और दूंगा कल। ठीक है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। काशीनाथ, अरे आप लोग यहाँ यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो काशीनाथ, हम कोई काम से ही आए हैं। बात यह है काशीनाथ सिंपली, मेरे घर में बच्चा होने की आशा है, और तुम तो जानते ही हो मेरी घरवाली बाबा की कितनी बड़ी भक्त है। बिल्कुल, इसीलिए ये भेंट मेरी तरफ से। मेरी तरफ से नहीं, पत्नी की तरफ से कहो, पत्नी ने ही तो भेजा है। हाँ, पत्नी की तरफ से बाबा को भेजो। हाँ, ले जाओ। अच्छा, ले जाओ। तुलसी नंद किशोर बाबा, ये मुझे मालूम। मैंने इसे छू लिया, इसे होने वाले बच्चे के बाप को दे दो। लो, हमने तुम्हें सांप के पैसे दिए थे या फूलों की माला के? निकाल हमारे पैसे। मैंने तो आपको असली नाक ही दिया था, फूलों से मेरा क्या काम? देख लो, अभी दिखाता हूँ। हमें बेवकूफ बनाता है। दे दे वापस ला, नहीं तो ऐसा शराब दूंगा कि तू खड़ा खड़ा सांप बन जाएगा। हाँ, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब तेरी समझ में क्यों आएगा? पैसे निकालता है या और मंत्र? पैसे तो मैंने खर्च कर लिए, अब मेरे पास है ही क्या? ये माला है, आप ये ले जाइए। माला? अच्छा डाला है, तुझे बनाता हूँ साहब। Stop!
भाभी, कुलकर्णी को सांप ने काट लिया है, तुम्हारे बाबा ने इसे मार डाला। नहीं, 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 बाबा, बाबा, मेरा पति तुम्हारी निंदा करता रहा, पर मैंने तुम्हारी भक्ति की है। तुम उसके प्राण ले सकते हो, मगर मेरा सुहाग नहीं उजाड़ सकते बाबा, मेरा सुहाग नहीं उजाड़ सकते। अल्लाह मालिक, हमारे मालिक तो तुम हो साई, और ये मेरा विश्वास है, अपने बाबा के होते हुए मेरे माथे का सिंदूर कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। कर्म गति टाली नहीं जाती, कर्म बनाने वाले भी तुम हो और कर्मों का फल देने वाले भी तुम हो, उनके प्राण लौटाना तुम्हारे बस में है बाबा। लेकिन खुद बाबा भक्तों के बस में है, और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना विश्वास है तो अपनी अंतःशक्ति को इतना जागृत करो कि जो चाहो वही हो। ऊपर वाला असलियत में ऊपर नहीं, मन के अंदर है। उस मन को इस भावना से जागृत करो कि मौत की नींद में सोया हुआ तुम्हारा पति कुलकर्णी जी, खाना शुरू करें, बहुत भूख लगी है। बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे साई नहीं आते कोई खाना नहीं खाएगा, कोई खाना नहीं खाएगा। अरे तू अंदर कहाँ जा रहा है, बाप का घर समझ के घुसा है अंदर, चल बाहर, भाग यहां से। आ जाते हैं बिन बुलाए। बाबा, बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूं। कुछ कहना नहीं, लिखना चाहते हो? जी हाँ बाबा, मन में इच्छा है कि आपकी जीवनी, आपकी कहानी, मानव जाति पर किए हुए आपके अनेक उपकार, एक एक चमत्कार, इन सबको एक किताब में इकट्ठा कर दूं। हे माड़िया, तत्विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्व तत्वदर्शिना। थोड़ी देर पहले दीक्षित यही कह रहे थे ना? जी हाँ बाबा। जरा गौर से सोचो तो इसका मतलब है, गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि अज्ञान भी दूर करता है। अज्ञान दूर होने से ज्ञान पैदा होता है, क्यों दीक्षित, ठीक है ना? जी हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने बाबा अपने गुरु का ज्ञान ही तो है, जो मन को ये किताब लिखने को बार बार कहता है। अच्छा, अल्लाह मालिक। बाबा, आपने इन लोगों की बात तो मान ली, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बूटी। ये मंदिर का नक्शा है बाबा। अच्छा, यहाँ कृष्ण की मूर्ति रखी जाए तो? कृष्ण की? क्यों बाबा, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा, बनवाओ। जो आ गया हो बाबा, कृष्ण की। सुबह से बैठे बैठे रात हो गई, आप खाने के लिए आए ही नहीं। मैं आया था लेकिन तुमने डांट कर निकाल दिया। मैंने? मैंने तो बाबा एक भिखारी को मार के भगाया था। वो भिखारी कौन था बाबा? भूल हो गई बाबा, मैं फिर धोखा खा गया। याद रख कुलकर्णी, घर में भोजन बना हो तो अपने द्वार से किसी को भूखा मत लौटा, भले वो कोई भी हो। बाबा, बाबा इसी विश्वास पे तो मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ, चारों धाम भटक कर आया, किसी दरगाह किसी मजार से नहीं चूका, मंदिर में घड़ियाल बजाए, मस्जिद में अजान भी दी, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी तलाश में हूँ। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। अब्दुल जी,
कोई मेरे पास औलाद के लिए आता है, कोई धन के लिए। आप आए हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान न तो मंदिर में घड़ियाल बजाने से, न मस्जिद में आजान देने से मिलता है। उसके लिए पांचों इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। मन, बुद्धि, अहंकार पर काबू पाना होता है। चार धाम घूमना नहीं पड़ता। महान त्याग और कठिन साधना की जरूरत होती है। मैं उसके लिए तैयार हूं बाबा। कल नासिक में पंचवटी की एक धर्मशाला में तुम ठहरे थे ना? जी बाबा। वहां एक जरूरतमंद को अपनी बूढ़ी बीमार मां के इलाज के लिए सिर्फ 5 आने की जरूरत थी। क्यों, ठीक है ना? जी बाबा। और तुमने कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारी जेब में 250 रुपए थे। जो 5 आने नहीं दे सकता, वो 5 इंद्रियों पर कैसे काबू पा सकता है? बाबा, बाबा। क्या है दीदी? चाचा बहुत बीमार है बाबा। सुबह उसे खून की कह हुई थी, तब से उसने बात भी नहीं की, अभी तक बेहोश पड़ा है। होश में आ जाए, तुम जाओ उसकी देखभाल करो। सुनो, उससे कहना मैं आऊं। देखा सही, देखा, इतना खून बह रहा है और कितना मामूली बात है, इसे कुछ हो गया तो। चिंता मत करो भाई साहब, मेरे होते हुए ताजा को कुछ नहीं होगा। कोई डरावना सपना देखा तात्या जो डर गए? विद्या, तूने कहा था ना, साई ने कहा है वो आएंगे। हाँ, पर पता नहीं क्यों नहीं आए। नहीं नहीं, वो आए थे, वो आए थे। ये क्या तात्या, तुम परेशान हो? मैं जानता हूँ मेरा रोग जानलेवा है। तो चिंता क्यों करते हो? बाबा जो है, बाबा ही की तो चिंता है। मैं समझा नहीं। तुम क्या समझोगे, लेकिन मेरे लिए हकीकत है। बाबा मेरे सपने में आए और आकर कह गए, तात्या इस जानलेवा रोग से तेरे प्राण नहीं निकलेंगे, ये रोग तुझे नहीं खाएगा, तेरे साईं को खाएगा। और इतना कहकर बाबा चले गए। फिर माँ आई, उसने मुझे झंझोड़ा और कहा, तेरा साईं इतनी बड़ी बात कह गया और तूने उसे रोका नहीं, उठ जा और कह दे अपने साईं के पास जाकर, साईं अपना दिया हुआ वचन वापस ले लो। दादा, प्राण जाए पर वचन जाए। बाबा, बाबा, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं को बुखार है, मेरे साईं को बुखार है। मेरा माथा ठंडा, मेरा बुखार गायब। क्या हुआ तात्या? साईं, ये लोग जानलेवा है साईं। अगले जाने वाले मुसाफिरों के लिए रोग एक बहाना होता है, याद है ना तात्या? मैंने कहा था जो आया है वो जाएगा, चाहे वो साईं हो चाहे दास। नहीं साईं, नहीं। अगर मुझसे प्रेम करते हो, मुझे अपना मानते हो, तो मेरा कहा मानो, घर लौट जाओ और आज की बात भूल जाओ। बोला हो, पापा ने जरूर किसी का रोग अपने शरीर पर ले लिया है। अरे
तो तात्या बाबा मैंने कुछ भूलने के लिए कहा था। नहीं नहीं बाबा नहीं, याद रखना बहुत आसान है लेकिन भूलना भूलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बाबा। कर्मयोग की भट्टी की गर्मी हर आत्मा को सहन करनी है। लक्ष्मी नया दिया जला दे। मंदिर गिरने वाला है। अब्दुल बेसहारा अपने साईं को जाने को कहीं मन करता है। बाबा को देख लिया बेटा, काश मेरी आंखें होती तो मैं भी बाबा के दर्शन कर लेता बेटा, मगर कोई बात नहीं, तूने बाबा के दर्शन कर लिए तो मैंने भी कर लिए, अब मेरे सारे पाप धुल जाएंगे बेटा, सारे पाप धुल जाएंगे। देवा आप? हाँ मन किया आ गया। बाबा ये सब काम ठीक चल रहा है? उठी तूने इस मंदिर का बिस्मिल्ला राम नाम से किया था ना, राम नाम की शक्ति से तो पानी में पत्थर तैरने लगते हैं, ये ठीक कैसे नहीं बनेगा? बाबा ये मूर्ति की स्थापना की जगह है। पूटी तू भी पगला है पगला। बाबा आपका कहना सर माथे पर है लेकिन ये आपने क्यों कहा बाबा? बूटी सभी कुछ साईं से पूछोगे, कुछ तो आने वाले वक्त के लिए छोड़ दो। चलो साईं। नहीं थोड़ी देर आराम कर लो। बाबा अगर आराम करना है तो अपनी जगह पर आराम कीजिए, मूर्ति की स्थापना से पहले अगर आप यहां आराम कर लेंगे तो ये जगह पावन बन जाएगी। अल्लाह मालिक। थक गए? कौन? पहचाना नहीं। शराब और जुए की बुरी लत ने तुम्हारा घर तबाह कर दिया। जुए के लिए पैसे नहीं थे तो नशे की हालत में बीवी का गला घोटकर उसके जेवर उतार लिए। बाबा बीवी के मरने के बाद तुम पुलिस से बचने के लिए भागे, एक खट्टे में दिमाग पर चोट आई और अंधे हो। बाबा उस जुर्म की सजा तो मैं जेल में चक्की पीस पीस कर काट चुका हूं बाबा, मगर अपने दिल और दिमाग के दो पार्टों में दिन रात जो मेरी आत्मा पीसती है बाबा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबा। भूतकाल के शोलों ने मेरे बच्चे के भविष्य की राह में आग लगा दी है बाबा। बच्चे की चिंता मत कर हीरा, उसे अपने साईं के भरोसे पर छोड़ दे। बाबा बाबा बोलो। कुछ मांगू बाबा? साईं ने आज तक किसी को नहीं रोका। बाबा एक बार अपने चरण छू लेने दो बाबा। आगे आओ 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 आगे। हाँ बाबा हाँ बाबा।
हूँ बाबा, मैं देख सकता हूँ। जिंदगी भर की ठोकरों से एक ठोकर भी। हाँ बाबा, हाँ बाबा, मगर आप हो कहाँ बाबा? तुम्हारे मन में। बेटा चल साईं बाबा के द्वार चले। हीरा, अब तुम अपने गांव लौट जाओ, फिर से नया जीवन शुरू करो। नेकी की राह पर तुम्हारा साईं कदम कदम पर तुम्हारे साथ। बाबा ने हम सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने बाबा के लिए ना कुछ किया ना सोचा। श्यामा जी। बाबा जरा इधर तो आओ। स्कूल मास्टर, बाबा की चिंता छोड़, माली बनकर जड़ों में पानी डाल, बच्चों को इस भावना से पढ़ा कि वो फूलों से भी ज्यादा सुंदर बने, ज्यादा महक दे। ऐसे गुलोही से तो मुल्क बलिस्तान बनेगा। बाबा। लक्ष्मी ले आई खाना? अच्छा ला, डाल दे भिक्षा। श्यामा जरा गणों को तो बुला। अल्लाह मालिक। मैं आ गया साईं। ये लो। अरे आज साईं का पेट एक निवाले से ही भर गया, ये तुम लोग मिलकर खा लो। जो आ गया साईं, आओ आओ। लक्ष्मी जी। बाबा तू भी जा, कुछ खा ले। मेरे साईं ने जब कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ बाबा? जी बाबा। तूने साईं की बड़ी भक्ति की है, तेरे साईं ने भी तुझे बहुत प्यार दिया। लक्ष्मी भक्ति के नौ रूप हैं, और ये नौ रूप तेरे साईं की मुट्ठी में बंद है। मुझे भक्ति का हर रूप मिला है। ला ला अपना आंचल, इच्छा देने वाली आज कुछ दक्षिणा भी ले ले। लक्ष्मी। बाबा, बाबा आप कांपे क्यों बाबा? पंछी जब पिंजरे से निकलता है तो पिंजरा हिलने लगता है। नहीं बाबा, आप हमें छोड़ के नहीं जाते बाबा। पगली, मैं आया ही कब था जो जाने लगा, फिर भी इस जाने को तुम जाना समझती हो तो सुनो लक्ष्मी, साईं के जाने के बाद भी तुम साईं को यही पाओ, सिर्फ यहाँ शिरडी में ही नहीं बल्कि कहीं भी कोई दिल से याद करेगा तो अपने साईं को वहीं पाए। पिंजरा हिलने लगा, आज उड़ने के लिए बड़ा मुबारक दिन है। आज दशहरा है, आज मुहर्रम है, आज बुद्ध जयंती भी है। उड़ जा, उड़ जा। कहने को पंछी उड़ गया, पिंजरा खाली रह गया। बूटी सेठ जो मंदिर बनवा रहा था, उस मंदिर में आज साईं बाबा की मूर्ति है। लोग इसे बाबा का मंदिर मानते हैं।
बाबा का मंदिर कहते हैं। द्वारका माई में वो आग, वो धुनी जो वर्षों पहले जल रही थी, आज भी जल रही है। लोग आज भी यहां से विभूति ले जाते हैं। वो पत्थर आज भी है द्वारका माई में। बाबा बाबा आज भी है। उस महासमाधि के बाद भी चमत्कार होते हैं, सिर्फ यहां शिरडी में नहीं बल्कि देश विदेश में, जहां बाबा के भक्त हैं, भक्तों की रक्षा के लिए। मंदिर के द्वार खुल चुके हैं, चलिए बच्चों को ले चले। चलो पूजा, मंदिर चले। दीपक, दीपक कहाँ चला गया? देखा दरवाजा खुला है, दीपक पहुंचा है, बाहर में चला गया। चिंता किस बात की, आप लोग मेरे साथ हैं। दीपक, दीपक, माँ, माँ, दीपक, माँ, बाबा कमरे में थे और मेरा हाथ पकड़ कर नहलाए और बैठ गए। पहले बहुत से बातें की, अब कुछ नहीं बोलते। सुना आपने? तो डॉक्टर, इस बात का कोई जवाब है? साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे India's number one software.